रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का मुकरमा का आज 17वां दिन है। रात को हमने किल्ली चमाज़ा में स्टे किया था, जो कि मेक्तर से तकरीबन 38 किलोमीटर बनता है, और आज का सफ़र हमने शुरू कर दिया हुआ है जल्दी नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि आज हमने लोरालाई में स्टे करना है। और किल्ली चमाज़ा से जो लोरालाई का सफ़र है वो बनता है 46 किलोमीटर। तो इंशाल्लाह जी शाम होने तक हम जो है वो लोरालाई में पहुंच जाएंगे। तो अपने सफ़र को किल्ली चमाज़ा से लोरालाई की तरफ सफ़र जारी है, और किल्ली चमाज़ा के बाद किल्ली माहीवाल की आबादी आई थी जो मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल है कि हम 8-9 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं, लेकिन फिल वक्त अभी तक कोई आबादी नहीं आई है, और पीछे आप लोग मेरे वीराना देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे ही कोई आबादी आएगी तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अली शरण अली जई के बाद ये आबादी आई है बर्नी मई। ये ज़रा मैं सूरज के अपोजिट खड़ा हूँ,
यानी कि जहाज मैंने सामने ही है, लेकिन अब जरा मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये आप लोग मेरे पीछे जो है ये आबादी देख सकते हैं, और यही रूट हमारा जो है आगे जा रहा है कहाँ पे, लोरा लई की तरफ। तो लोरा लई जो है वो यहाँ से कुछ किलोमीटर तो जो है वो तकरीबन अभी यहाँ से रहता है मेरे ख्याल से 21 से 22 किलोमीटर रहता है, तो इंशाल्लाह शाम होने तक जो है वो हम लोग कर लेंगे। तो ये पीछे आबादी है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग निकले थे किली चमाजा से, तो किली चमाजा के बाद आया था किली महीवाल, और किली महीवाल के बाद आया था किली शरण अली जई, और उसके बाद आया है बरनी मई, इसके बाद आगे देखते हैं क्या आता है। जी तो लोरा लाई को जाते हुए जो अगली आबादी है वो है किली शोबोजई। एक बात मैंने नोट की है कि इस रूट पर जो किली है वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ये तो किसी लोकल बंदे से पूछते तो पता चलता है जी किली का क्या माजरा है। वहाँ से जहाँ से हमने किली चमोजा से सफ़र शुरू किया था, वहाँ से लोरा लाई तक तकरीबन यानी कि आबादी है, हम पैदल भी आ रहे हैं तो ये है कि 8-10 किलोमीटर के बाद आबादी आ जाती है, वो आपको इतना महसूस नहीं होता। एक ही महसूस हुआ था जो कि खजूरी से मेघतर तक का सफ़र था, उस दौरान कोई आबादी नहीं थी, लेकिन ये है कि आप लोरा लाई जाते हुए आबादी है। तो हम अल्लाह करे कि आपको वहाँ खैर वापस पहुँचे।